रुख करेंगे खबरों का। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर राजधानी भोपाल के शौर्य स्मारक में श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग सहित तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने बीजेपी को बनाया है। साथ ही कहा कि ग्वालियर में उनकी याद में बहुत बड़ा स्मारक पार्क बनाया जाएगा। अटल जी अमर रहे, अटल जी अमर रहे। देखिए उनकी कविता की तो संदेश छुपा हुआ है, और इसलिए आइए उनमें से कुछ गुण हम अपनाने का प्रयास करें। अटल जी की तीसरी पुण्यतिथि पर उनके चरणों में श्रद्धा की सुमन अर्पित करते हुए हम यही संकल्प लेते हैं कि सरकार के माध्यम से भी और संगठन के माध्यम से भी उनके सोच का संगठन और उनकी कल्पना की सरकार चला के हम जनता का भला कर सकें और वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सकें। उन मैंने अपने संकल्प को व्यक्त किया है कि ग्वालियर में जहां हम खेले, पढ़े, बढ़े, उनकी स्मृति में बहुत विशाल और भव्य स्मारक का निर्माण किया जाएगा, ताकि उनकी स्मृतियां, उनके कृतित्व, उनके काम, उनका व्यक्तित्व हमें प्रेरणा दे सके और आने वाली पीढ़ियां भी जान सके अटल जी के बारे में, और उनके जीवन से कुछ ग्रहण करके अपने जीवन को यशस्वी बना सके। अटल जी की पुण्यतिथि के दिन में आज हम लोगों ने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, और अभी आपने देखा कि श्रद्धे अटल जी की स्मृति में एक भव्य स्मारक ग्वालियर के अंदर निर्माण होगा। इसकी घोषणा कल 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी, आज भी उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है। हम लोग जल्दी ही ग्वालियर के अंदर उस स्मारक की तैयारी का काम प्रारंभ करेंगे। हमारे कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश के अंदर माननीय वीरेंद्र कुमार जी और माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी दोनों की जन आशीर्वाद यात्रा जो देश के अंदर हमारे जो नए मंत्रिमंडल के सदस्य बने हैं, जिसमें भारत के इतिहास में पहली बार 27 मंत्री, 27 मंत्री ओबीसी वर्ग के बने हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के मंत्री बड़ी संख्या में बने हैं, 11 महिलाएं मिनिस्टर बनी हैं। माननीय मोदी जी के इस मंत्रिमंडल ने इतिहास बनाया है भारत के अंदर।